तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं कुकर में मटर पनीर, वो भी दही वाली। देखिए ना, आपकी पनीर फटेगी मेरे तरीके से आप बनाएंगे, और खाने में तो इतनी टेस्टी है, यकीन मानिए एक बार आप ऐसे बना के खा लेंगे ना, तो आप रेस्टोरेंट से कभी मटर पनीर तो नहीं लेके आएंगे, आप जब भी खाएंगे ऐसे ही बना के खाएंगे। तो चलिए हम बिना देर के झटपट से बनाते हैं अपनी टेस्टी सी मटर पनीर, वो भी दही वाली। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने 3 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं, जिसमें से एक प्याज को हम निकाल देंगे, इसका हम तड़का लगाएंगे। 2 प्याज, लहसुन की कलियाँ, टमाटर, जीरा 1 चम्मच लिया है, इनकी हम बनाएंगे प्यूरी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने तड़के के लिए ले लिया है 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची को क्रश कर लिया है, थोड़ा सा ले लिया है दालचीनी, 2 टुकड़े ये छोटे छोटे से, और 3 चक्री फूल की कलियाँ निकाल ली है, 2 सूखी लाल मिर्ची, और प्याज तो है ही। यहाँ फ्रेंड्स, हमने 2 चम्मच बढ़िया सा दही ले लिया है, और इसमें थोड़े से मसाले मिला देंगे, इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची मिला देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और ये 1½ चम्मच धनिया पाउडर, और इन सबको बढ़िया से हम मिक्स कर देंगे। इससे सब्ज़ी का फ्लेवर हमारा काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने 350 ग्राम पनीर ले लिया है, जिनको मैंने ऐसे स्लाइस में कट कर लिया है, अब इनको हम कर लेते हैं फ्राई। फ्रेंड्स, हमारा तेल हो गया है गर्म, इसे अपने पनीर को डाल के हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पनीर भी खूब बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल हो गया है गर्म, इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे जीरा, फिर डाल देंगे हम दालचीनी, अपने तेज पत्ता, कलियाँ, साथ में बड़ी इलायची जो हमने क्रश करके रखी थी, 2 सूखी लाल मिर्ची, और जीरा को अपने अच्छे से हम चटकने देंगे पहले। फ्रेंड, जीरा हमारा अच्छे से हो गया है, इसमें डाल देंगे हम प्याज, और प्याज को हम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज को बढ़िया से ब्राउन हो गए हैं, और इसमें डाल देंगे हम जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन प्याज का, और थोड़ा सा जार में पानी डाल के हम इसको भी धुल के डाल देंगे कुकर में। अब यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम, और इसको हम जब तक तेल इसका सेपरेट नहीं हो जाएगा तब तक इसको हम फ्राई करेंगे, लेकिन बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे मसाले को 10 मिनट हो गए मीडियम फ्लेम पर फ्राई होते हुए, और कितने बढ़िया से फ्राई हो गया है, और इसमें तेल भी सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने फ्लेम को बंद कर दिया है, और इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था उसको हम डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फ्रेंड्स, हमने 2 चम्मच पानी डाल के बाउल में जो लगा था उसको भी धुल के इसमें हमने डाल दिया है। इसको हम खूब बढ़िया से मिक्स कर देंगे, और अब यहाँ पे हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है, और इसको हम इसी स्लो फ्लेम पे 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे, नहीं तो हमारा मसाला फट जाएगा। आप मेरे तरीके से बनाइए एक बार, आपका जो मसाला है दही वाला नहीं फटेगा, लेकिन इसको हम चलाते हुए ही भुनेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने 5 मिनट इसको चलाते हुए फ्राई कर लिया है, देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो गया है, जो हमने इसमें दही डाला था उसे थोड़ा सा ये और क्रीमी क्रीमी सा हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे हम फ्रोजन मटर, ये मैंने ली है 250 ग्राम मटर, और इसको भी हम अच्छे से इसमें भून लेंगे। अब यहाँ पे फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम, और इसको हम 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी सब्ज़ी कितनी बढ़िया से फ्राई हो गई है, देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है इसका, और इसी में डाल देंगे अपनी हम पनीर को, और पनीर को एक बढ़िया से इसमें हम मिक्स कर देंगे, ताकि पनीर हमारी बिल्कुल अच्छे से मसाले से कोट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हमने पनीर को ही फ्राई कर लिया अच्छे से सब्ज़ी के साथ में। अब आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, इसमें हम डालेंगे गरम पानी, हल्का सा गुनगुना रहेगा पानी हमारा, उससे क्या है सब्ज़ी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक,
और इसमें 1/3 डालेंगे गरम मसाला। अब इन सबको भी खूब बढ़िया से हम मिक्स कर देंगे और अब यहाँ पे हम कुकर को बंद करके इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे। तो अब इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी कितनी बढ़िया सी बन चुकी है। अब यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे ऑन और इसमें डालेंगे हम हाथों से क्रस करके खूब बढ़िया से कसूरी मेथी, और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें खूब सारा हरा धनिया और इसको हम 1 मिनट खाली ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी डिलीशियस सी सब्जी बनके हो गई तैयार। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। तो एक बार मेरे तरीके से बना के खाइए, मज़ा ही आ जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।